जन जागृति महिला दिवस पर मानुषी फाउंडेशन की तरफ से चेंबूर में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सावित्रीबाई फुले सभागृह में किया गया। यह शिविर आर.ए. पोद्दार वैद्यकीय महाविद्यालय व दवाखाना व सांडू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड चेंबूर की तरफ से आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। देखते रहिए खबरें आज भी की रिपोर्ट। तो आज यहाँ पे है ना महिला दिन का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है मनस्वी फाउंडेशन और गुरु की तरफ से, तो आज आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? महिला ने एक जुटे रहने का, महिला सब मिलजुल के काम करने का, सपोर्ट करने का, और जो काम चल रहे वो हम एकजुट से ऐसे रहना। आज जो समाज में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? आज महिला उतनी सबला है या अबला है, क्या कहूँगा? मैडम ये बताइए, आज महिला स्वास्थ्य शिविर किस उद्देश्य से यहाँ पे आयोजित किया गया है और मनस्वी फाउंडेशन अब भविष्य में क्या महिलाओं के ऊपर कदम उठा के काम करना चाहिए? आज महिलाओं का इतना लेडीज प्रॉब्लम होता है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए महिला ज्यादा करके ना उनके बात नहीं करती, इसके लिए मैं एक महिला हूँ, महिलाओं का क्या समस्या है मेरे को पता है, इसके लिए मैंने मनस्वी फाउंडेशन की तरफ से यह आयुर्वेदिक सिर्फ महिलाओं के लिए। आपने बात करते हुए यही भी बताया कि 8 मार्च ये महिलाओं का जन्मदिन है, तो ये इसके बारे में क्या है आपका? कई बार क्या होता है पर यहाँ पे ना जितने भी महिला किसी को अपना बर्थ डेट पता नहीं चलता है, तो 8 मार्च सिर्फ महिला दिन का है, तो 8 मार्च क्यों ना महिला हर एक महिला उनका बर्थ डे सेलिब्रेशन कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि हर 8 मार्च के महिलाओं का जन्मदिन रहता है और वो सेलिब्रेशन हर महिला ने करना ही चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और ऐसे बढ़ती रहेगी, तो आप क्या कहोगे उनके लिए और मोटिवेट क्या बोलना चाहोगे? और मोटिवेट बोला जाएगा तो महिला कौन से क्षेत्र में नहीं है मेरे को बताओ, महिला हर क्षेत्र में है और महिला ऐसे ही आगे जाती रहेगी और ऐसे महिलाओं को हमारे जैसे एनजीओ है वो हमारे जैसे एनजीओ उनको हेल्प करेंगे, यही है। ये बताइए आज महिला दिन है, यहाँ पे कई सारी महिलाएं अलग अलग जगह से अलग क्षेत्र से आए और पोद्दार नामक बहुचर्चित अस्पताल है उन्होंने भी यहाँ पे सहयोग दिया, तो आपको यहाँ पे कैसा महसूस हुआ? और ये कार्य कब तक ऐसे चलता रहेगा महिलाओं का जब तक समाधान हल नहीं होता है? तो आज महिला दिन के लिए आप संदेश देना चाहोगे? जोर से जरा बोलो, आज महिला दिन के ऊपर आज महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? महिला फाउंडेशन आलेली आहे, तसं मी अंगणवाडी सेविका आहे, तर आमच्या सर्व अंगणवाडी सेविका पण आलेल्या आहेत, तर त्यांच्या वतीने मला तरी वाटतं की हा महिला दिनचा प्रोग्राम आहे ना तो एकदम सुंदर आयोजित केलेला आहे। आता भरपूर आहेत त्यात आयोजित करणाऱ्यांमध्ये, पण भारती माने आहेत आमच्या सेविका आहेत सोबत वेदना माने, त्यांनी चांगला कार्यक्रम केला आहे आणि सगळ्यांना वयोवृद्धांना देखील आणि 12 वर्षाच्या वरच्या मुलींना हा संदेश करून हा कार्यक्रम आहे, या ठिकाणी कोरोना व्हायरस ज्या संदर्भात आहे त्याविषयी काही निदान होणार आहे का, काय माहिती दिली जाणार आहे का? बरं, आता चांगला प्रश्न विचारला, कोरोना व्हायरस संदर्भामध्ये आमच्या अंगणवाडीचे पण प्रोग्राम चालू आहे आणि प्लस आता महिला दिन चालू आहे, तर आम्ही त्यांना संदेश पण दिला आहे की कोरोना व्हायरस कसा होतो त्यासाठी आपण काय राहायचं ते पण संदेश देण्यात आलेला आहे। कोणकोणती काळजी घेण्यात येणार आहे या संदर्भात काय सांगा? त्यासाठी सगळ्यांनी असं आता बाहेर पुढे जायचं असेल जास्त लांब तर ते त्यांनी टाळावं, सध्या 10-12 दिवस तरी जाऊ नये कुठे, आणि जर जायचं असेल इमर्जन्सी असेल तर तोंडाला मास्क लावायचा आणि आपले हात सारखे 5-10 मिनिटांनी काय ना सारखे आपण जरा बाहेरून फिरून आलो की लगेच हात 10-20 सेकंड तरी धुवायचे स्वच्छ साबणाने।
आज 8 मार्च महिला दिनानिमित्त इथे एक प्रोग्राम आयोजित केला. हा कार्यक्रम आयोजित कशामुळे करण्यात आला, कारण त्यासाठी माता रमाई, माता जिजाई आणि माता भीमाई या तिघींमुळे आज आम्ही त्यांच्या पावलावर येऊ शकत नाही, पण त्यांचा आदर्श घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत. तर दरवर्षीप्रमाणे हा महिला दिन रोजच असावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आणि त्यातूनही महिलांनी जास्तीत जास्त घराबाहेर पडून जास्तीत जास्त केअरफुल राहण्यासाठी हा कॅम्प ठेवलेला आहे. त्या संदर्भात मी माता रमाई, माता जिजाई, माता भीमाई यांना माझं साष्टांग नमन. या ठिकाणी मी विचारू इच्छितो की 8 मार्च दिवशी फक्त जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो असं का, एकाच दिवशी का केला जातो? कारण तो म्हणजे त्या दिवशी महिला संपूर्ण एकत्र येतात, तो आमचा दिवस असतो. पण मला असं वाटतं की हा रोजच महिला दिन असावा आणि रोजच महिलांनी एकत्र येऊन काही जागतिक कार्यक्रम साजरे करावे. सर ये बताइए, पोदार हॉस्पिटल की ओर से यहाँ पे मनश्री फाउंडेशन आयोजित यहाँ पे महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, तो आप क्या बताना चाहोगे? 1975 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन का शुरुआत हुई है. अभी करीबन 40 साल हो गए हैं. ये जो अपना जीवन है बिना स्त्रिया सृष्टि नास्ती ऐसा का, स्त्रियों के सिवा कुछ भी बनता नहीं है. किशन सुप्रजा पोदार रुग्णालय की ओर से इस शिविर का आयोजन किया है, जिससे स्त्री का स्वास्थ्य संभाल सके. क्योंकि कहा गया है जागर स्त्रियों के आरोग्य का और जागर सम्मान स्त्रियों का. नई नई बीमारियां आती है, जैसे HIV है और दूसरे सारे वायरस है, तो बोलते हैं कि हमारे इधर दवाई है, आयुर्वेद में सारे इसके लिए दवाई है, जैसे महासुदर्शन ज्यादा है, गुरुचि पाठ है, आरोग्य वर्धनी है, ये सारी जो दवाएं हैं, अश्वगंधा है, ये सारी दवाएं कोरोना पर काम करती है. क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी यानी प्रतिकार क्षमता अगर बढ़ गई है तो कोरोना ऐसे भाग जाएगा. आज महिला दिन है और आप सीनियर डॉक्टर है पोदार हॉस्पिटल में, तो आप क्या बताना चाहोगे इसमें? महिला हमेशा अपने प्रकृति की तरफ में ध्यान नहीं देती है. उन्होंने तो ये जो कैंप रखा है उसमें आके उन्होंने सब अपना तपास करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए. हमेशा उन्होंने अपने स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान देना चाहिए. हमेशा क्या होता है कि वो सब अपने बच्चों की तरफ ध्यान देती है, अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान देती है, और हमेशा खाना पीना जो है ना वो बराबर अपना खाती नहीं करती नहीं है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने अपना स्वास्थ्य का ध्यान अभी ये जागतिक महिला दिन के हिसाब से मतलब इसमें जन जागृति कर रहे हैं, महिलाओं के मन में अपने विश्वास के बारे में, अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है. और हमेशा से उन्होंने अपना ध्यान, क्योंकि आजकल जो है ना ये सिर्फ औरतों का नहीं है, उनकी जो लड़कियाँ रहती कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ जो रहती है तो उसमें भी उन्होंने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए. आजकल सब पूरा चाइनीज खाना खाते हैं, उसमें सब मैदे का रहता है और सब स्पाइसी रहता है, बराबर खाना नहीं खाते. उससे क्या होता है, थोड़ा सा खाएंगे तो पेट भरा हुआ समाधान होता है, क्योंकि उसमें सोडा रहता है. तो उस वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता है, और उस वजह से उनकी महावारी की जो शिकायतें हैं वो अलग अलग शिकायतें निर्माण हो जाती हैं. फिर उसके बाद में शादी के बाद में जो है बच्चे नहीं होते हैं, महावारी बराबर नहीं आती है, थोड़ी ज़्यादा उम्र हो गई है तो मेंसेस के जो प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग ज़्यादा वगैरह होना, वो सब तैयारी मतलब ऐसे सब बीमारियाँ लगती है, डायबिटीज़ है, बीपी का तकलीफ है, ये सब उन्होंने अपने तरफ ध्यान देंगे तो उसके लिए उन्होंने व्यायाम भी करना चाहिए, खाना भी अच्छा रखना चाहिए और बीच बीच में जाके अपना तपास भी करना चाहिए. ये महिला दिन के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, हाँ. कुछ महिलाएं पहले स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं थी, तो अभी जागरूक है ऐसा आपको लगता है? अभी ये मुंबई शहर है, यहाँ पे अभी बड़े बड़े मतलब एरिया में अलग अलग एरिया में कैंप होते हैं, अभी व्हाट्सएप रहता है उसमें भी पता चलता है, मगर यहाँ शहर में तो है अवेयरनेस थोड़ा बहुत, मगर जब हम इंटीरियर में जाते हैं तो वहाँ पे तो नहीं होता है इतना ज़्यादा ऐसा है. तो उसके प्रति भी वहाँ पे भी इस प्रकार से प्रोग्राम करना चाहिए.